जय हिंद साथियों मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विदंकित पर दोस्तों सभी को नमस्कार तहे दिल से राम राम भैया गुड इवनिंग सभी का स्वागत है सभी का स्वागत है तहे दिल से भाई सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए मानवी भड़ाना विकास दीपक सभी का स्वागत है अरुण भैया स्वागत है सभी का स्वागत है दोस्तों जल्दी से जुड़ जाइए सभी लोग क्लास से फटाफट से जुड़ जाइए प्रैक्टिस सेट नंबर बहत्तर सेवनटी टू प्रैक्टिस सेट बिल्कुल आपके सामने तैयार भैया रेडी है है ना और एक बात बता दूं आज का जो प्रैक्टिस सेट है जैसा कि आज मंगलवार है ट्यूसडे है मैंने बताया था हर मंगलवार को आपको जो संडे वाला आपका मॉक टेस्ट होता है उसका सॉल्यूशन कराता हूँ चलो तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए भैया और एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए नमस्कार भैया नमस्कार सभी को गुड इवनिंग गुड इवनिंग आ जाओ आ जाओ जल्दी से जल्दी से सभी लोग क्लास में आ जाओ फटाफट फटाफट पहला क्वेश्चन था आपके टेस्ट में कि आपको चार ऑप्शंस दिए थे और आपसे पूछा गया था कि भिन्न पद ज्ञात करो असंगत का चयन आपको करना था यहां पर असंगत पद का चयन आपको करना था तो फटाफट से बता दो भैया आंसर क्या होने वाला है तेहरा से चालीस चौदह से बयालीस पंद्रह से छियालीस सोलह से उन्चास तो आंसर आ गया होगा क्योंकि सभी लोग कर चुके होंगे टेस्ट में सॉल्व इस क्वेश्चन को क्योंकि बहुत ही आसान ये वाला क्वेश्चन था कि अगर मैं यहां इस वाले में बात करूं तो यहां देखोगे तेहरा तिया उनतालीस प्लस का एक तब आएगा आपका चालीस ठीक है भैया और यहाँ यहाँ डायरेक्ट चौदह गुणा तीन बन रहा है चौदह तिया बयालीस हो रहा है बहुत सही और पंद्रह तिया पैतालीस पंद्रह तिया पैतालीस प्लस का एक बराबर छियालीस है ना सब में बाकी सभी में तीन की गुणा करके एक जोड़ रहा है अपनी तरफ से अपनी तरफ से जोड़ रहा है और यहां डायरेक्ट गुणज लिखा था मल्टीप्लायर लिखा है तो बी ऑप्शन हमारा अलग होगा बी ऑप्शन बिल्कुल अलग है एकदम शानदार बहुत गजब बहुत बेहतरीन नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन था आपका पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग वाला एक कागज है और वो किस प्रकार का कागज है भैया प्लस बना हुआ है डॉक्टर का जो साइन होता है प्लस कुछ इस प्रकार से बना हुआ है अब इसके ऊपर वाले हिस्से को नीचे मोड़ा गया फिर राइट वाले हिस्से को भी मोड़ा गया लेफ्ट वाले को भी मोड़ा गया और बॉटम वाले हिस्से को भी ऊपर की तरफ मोड़ा गया है लास्ट में क्या बचा लास्ट में बचा केवल इतना हिस्सा और इसमें एक जीरो बना दिया भाई जब इसको ऊपर खोलोगे इधर साइड में खोलोगे नीचे की तरफ खोलोगे इधर साइड में खोलोगे तो चारों तरफ जीरो आ जाएगी ये तो है ना जब इसको ऊपर की तरफ खोलूंगा तो ये जीरो यहां भी आएगी जब इसको इधर की तरफ खोलूंगा इधर भी आएगी नीचे की तरफ खोलोगे यहां पर भी आएगी और इधर साइड में खोलोगे इधर भी आएगी तो आंसर कौन सा सही होगा आपका सी ऑप्शन सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है बिल्कुल शानदार बहुत गजब एकदम बेहतरीन बिल्कुल शानदार दोस्तों फटाफट से क्लास को शेयर कर दो भाई जल्दी से जल्दी से क्लास को सभी लोग शेयर कर दीजिए लाइक कर दीजिए जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया है अभी भी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्योंकि आज टाइम मैं आपको कम दूंगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्योंकि क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर चुके हो इन्हें मॉक टेस्ट में संडे वाले मॉक टेस्ट में सभी को सॉल्व कर चुके होंगे जो आपके डाउट्स हैं वो यहां पर क्लियर हो जाएंगे ए बी का पिता है सी बी की पुत्री है ए जो है वो किसका पिता है ए जो है वो बी का पिता है बी का पिता है और सी सी जो है वो बी की पुत्री है सी पुत्री है नीचे आ जाएगी फिर फिर क्या बोला डी बी का भाई है डी जो है वो बी का भाई है डी यहां पर आ गया ठीक है फिर ई e, ए का पुत्र है ई e जो है वो ए का पुत्र है ई e पुत्र हो गया प्लस लिख देना चलो और तो सी और ई e के बीच में क्या संबंध है सी और ई e के बीच में क्या संबंध होगा भाई ए बी का पिता है सी बी की पुत्री है यहाँ बी का तो चिन्ह निर्धारित नहीं है, है? बी का तो चिन्ह निर्धारित नहीं है तो कैसे बताओगे सी और ई e में रिलेशन अगर बी यहाँ प्लस होता है तो सी चाचा हो जाएगा अगर अगर बी यहाँ पर माइनस होता है यानी कि ये ये एक महिला होती है तो ये मामा हो जाएगा तो ऑप्शन कौन से दिए गए हैं ऑप्शन दिए गए हैं भैया भतीजी और चाचा वाले क्योंकि सी सी इसकी भतीजी होगी और ई e को चाचा मानकर चल रहा है तो ऑप्शन के अनुसार हम सी ऑप्शन को टिक करेंगे ऑप्शन के अनुसार चाचा भतीजी बिल्कुल सही होगा आंसर क्योंकि सी को पहले लिखा है तो सी को भतीजी पहले लिखा जाएगा भतीजी ये रहा और ई e, ई e जो है वो चाचा है तो चाचा को बाद में लिखेंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है चलो जी नेक्स्ट की तरफ आ जाओ नेक्स्ट की तरफ ये क्या दिया गया है इन्वायरमेंट शब्द का प्रयोग करके और निर्माण करके इन अक्षरों का प्रयोग करके किया जा सकता है आपको बताना है जो इस शब्द के द्वारा बनाया जा सकता है ऐसा इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा शब्द है इस शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कौन से वाले शब्द को बना सकते हो क्या फर्स्ट वाले को बना सकते हो मूवमेंट एम ओ वी फिर फिर V E दूसरा एम नहीं आ रहा भाई कहीं भी दूसरा एम नहीं आ रहा हटा लो अभी इसके लिए entertain entertain देखो फटाफट से बना पाओगे एक आर आ रहा है ई एन टी ई आर टी ए आई एन अगर मैं एक की बात करूं तो ऊपर कहीं भी नहीं आ रहा इनवायरमेंट में ए कहीं भी नहीं है नहीं बना सकता और एमिनेंट एमिनेंट को चेक करो ई एम आई एन ई और दूसरा एन ये रहा और टी ये रहा तीसरे वाले को बनाया जा सकता है है ना एमिनेंट को बनाया जा सकता है सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें ए आया हुआ है तो ऊपर कहीं भी नहीं है ये भी गलत हो जाएगा ये भी गलत हो जाएगा केवल और केवल सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है दस गलत हो गया था सर तीन छोड़ दिए थे बयालीस पचपन में से बयालीस भाई दल आ, दस क्यों गलत हो गए है ना राग्नी गुप्ता दस क्यों गलत हो गए मुझे ये बताओ क्या कारण रहा दस के गलत होने का क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं भैया बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके इस एग्जाम में जैसा कि प्रीवियस ईयर में यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम आपका आया था सेम उसी पैटर्न पर आधारित सारे क्वेश्चन होते हैं और इनमें से कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो डिक्टो में करवा चुका हूं अपने प्रैक्टिस सेटों में आपको कुछ क्वेश्चन तो वही मिल जाते हैं मिलेंगे भी देखो आगे भी बहुत शानदार बहुत शानदार आंसर दे रहे हो एकदम बेहतरीन अगर मैं बात करूं इसका कोड पूछा गया है स्माइलिंग का कोड पूछा गया है, स्माइलिंग को ढूंढो सबसे पहले आ रही है देखो, आर ई एन आई के का कोड दिया है सी इज ब्रेव फिर कह रहा है पी आई ओ आर आर ई आई के का कोड दिया है सी इज ऑलवेज स्माइलिंग स्माइलिंग यहां पर आ रहा है स्माइलिंग यहां पर आ रहा है और स्माइलिंग और कहीं पर भी नहीं आ रहा तीसरा कोड था ये वाला तीसरा कोड था ये वाला अब चेक करो स्माइलिंग ना तो ऊपर आ रहा ना स्माइलिंग नीचे आ रहा तो ऐसा कोड ढूंढो ना जो ना तो ऊपर आ रहा हो ना नीचे आ रहा हो अगर मैं इन दोनों में कॉमन चेक करूं क्या कॉमन मिल रहा है देखो आर ई एन आई के तो ये आपके आंसर नहीं हो सकते किसी भी हालत में किसी भी हालत में आर ई -e और एन आई के आपके आंसर नहीं होंगे क्योंकि ये ऊपर आ गए ये किसी और के कोड है फिर फिर पी आई एसओ आर को चेक करो एसओ आर यहां भी आ रहा है एसओ आर यहां भी आ रहा है तो यह भी आपका आंसर नहीं हो सकता किसी भी हालत में बचा क्या केवल पी आई बचा पी आई बचा यही आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ एक मकान के ढहने पर तीस लोगों की मृत्यु हो गई अच्छा जी कथन में दिया गया है और इससे इस इलाके के लोग उत्तेजित हो गए भाई बिल्कुल हो जाएंगे मान लो अगर कहीं पर कोई मकान गिर गया है एक मकान के ढहने पर तीस लोगों की मृत्यु हो गई है इससे इस इलाके के लोग उत्तेजित हो गए हैं तो सरकार क्या करेगी कार्यवाही क्या होगी उस पर एक्शन क्या होगा सरकार को प्रभावित परिवारों के लिए तुरंत मुआवजे की घोषणा करनी चाहिए जिससे कि लोगों का जो उत्तेजनपन है ना वो थोड़ा सा शांत हो जाए है ना बिल्कुल बिल्कुल ये वाला एक्शन सामने आएगा लोग उत्तेजित हो चुके हैं मतलब कहने का अर्थ है बहुत परेशान भी हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही होगी सौ परसेंट कहीं ना कहीं गलती है किसी ना किसी की उसमें तो उसकी वजह से वो लोग उत्तेजित हुए हैं तो सरकार क्या करेगी भैया मुआवजे की घोषणा करेगी थोड़ा सा शांत जरूर करने का प्रयास करेगी उनको प्रयुक्त सामग्री में समझौता करने वाले बिल्डरों के विरुद्ध भाई बिल्कुल शानदार यानी कि जो घर बनाया था उस घर के ढहने में दिक्कत की क्या आई कि जो सामग्री उसमें प्रयुक्त हुई है ना और उसके साथ समझौता करने वाले बिल्डरों जिन्होंने वो घर बनाया के विरुद्ध सरकार को कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए बिल्कुल ये एक्शन भी आपके सामने आएगा ये एक्शन भी आपके सामने आएगा दोनों एक्शन बिल्कुल शानदार तरीके से राइट होंगे फर्स्ट और सेकंड कार्यवाही बिल्कुल राइट होगी फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल राइट है नेक्स्ट दिया गया सेट 48 24 बार है क्या कह रहा है इसके समान है या इसके विरुद्ध पूछा है अलग वाला समान पूछा है समान फिर में दिए गए संख्याओं के सेट के समान हो इसके समान वाला ढूंढकर निकालो तो क्या बन रहा है 48 से 24 की तरफ जाओगे भाग दो हो रहा है भैया भाग दो 24 से बारह की तरफ आओगे भाग दो हो रहा है भाग दो यानी कि दो का डिवाइड कर रहा है चेक करो 44 का आधा 22 होता है बिल्कुल शानदार तरीके से राइट है लेकिन 22 का आधा 10 नहीं होता गड़बड़ हो गया 46 का आधा 22 हो गया बाईस का आधा 11 हो गया ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है रोकना भी जरा दिखाना ऊपर तो रोको रोको ऊपर दिखाओ ऊपर दिखाओ रुकना युवराज सिंह कह रहे हैं सर आपने बताया था कि कठोर कार्रवाई रोंग होती है कठोर कहाँ है भैया कठोर कहाँ है अगर अगर मान लो कठोर कब होती कठोर तब होती जब कोई हम एक्शन ले रहे हैं उसके विरुद्ध किसी को नुकसान हो कठोर कठोर बताए कठोर का अर्थ क्या है कठोर मान लो हम कोई एक्शन ले रहे हैं उस एक्शन से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए है ना नुकसान होता है तो उसको कठोर माना जाता है मान लो जैसे कि कठोर कार्रवाई के अंतर्गत क्या चीज आ जाती है मान लो मुझे मुझे शक हुआ मुझे शक हुआ कि मेरा जो ऑफिस है या किसी की भी कंपनी या ऑफिस है मुझे शक हुआ कि भाई किसी ने मेरे बैग के साथ छेड़छाड़ की है बैग में कुछ रखा है सामान तो ऐसा शक हुआ तो अब शक होने पे ये थोड़ी है कि मैं डायरेक्ट के डायरेक्ट पुलिस को फोन करूंगा और सीधे सीधे उठा के ले जाओ भैया जेल में डाल दो इनको है ना वो पहले मैं उस पर उचित कार्रवाई ये होगी कि पहले मैं सबसे पूछताछ करूंगा कि भाई किसी ने मेरा बैग तो नहीं छेड़ा तो कठोर कार्रवाई एक साथ ऐसी होती है मान लो आपको शक हो रहा है और शक पे ही आप सीधा किसी को पीटना स्टार्ट कर दो कठोर ऐसा होता है वहां कठोर नहीं था वहां मालूम पड़ चुका है कि भाई घर गिर गया है और घर के गिरने से लोगों की भी मौत हुई है तो फिर वो कठोर कहां रहेगा जब लोगों की मौत हो गई और मौत होने के बाद भी अगर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो जो उत्तेजित हो रही थी ना जनता वो और ज्यादा उत्तेजित होगी है ना फिर ज्यादा हालात तो जो है काबू से बाहर हो जाएंगे तो वो कठोर नहीं था वो एक्शन तो सामने आएंगे दोनों दोनों एक्शन सामने आएंगे वो चलो जी नेक्स्ट पर आ जाओ नेक्स्ट पर कंप्यूटर शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग में है जिनके बीच उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में कंप्यूटर में गिनना स्टार्ट कर दो फटाफट से कंप्यूटर में गिनना स्टार्ट करो भैया कितने आ रहे हैं चलो सी डी ई एफ जी एच आई जे नहीं मिला कोई भी ओ पी क्यू आर एस टी यू नहीं मिला एम एन ओ पी क्यू आर एम आर का जोड़ा मिल गया एम एम आर का जोड़ा मिल गया फिर पी क्यू आर एस टी नहीं मिला यू डब्ल्यू एक्स नहीं मिला टी यू वी नहीं मिला ई e, एफ नहीं मिला आगे से और कुछ नहीं मिल रहा अब पीछे की तरफ से आ जाओ सी होगा साथ में कौन से वाले की बात कर रहे हैं भाई अच्छा सॉरी 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 गलत कर दिया भाई गलत कर दिया छियालीस का आधा बाईस नहीं गलत तेईस होता है तेईस होता है तेईस ये गलत हो गया ये गलत हो गया गलत है और 40 से 40 का आधा भैया 20 है 40 का आधा भाग दो करोगे बिल्कुल सही और 20 का भाग दो करोगे 10 ये सही होगा वो उसने क्वेश्चन भी दूसरे पर पह पहुंचा दिया ना उस टाइम पर मुझे ठीक है ना वो एक लड़के ने डाउट क्रिएट कर दिया था क्वेश्चन कठोर कार्यवाही वाला तो ये इसको तो भूल ही गए थे हैं चलो नेक्स्ट पर आ जाओ कंप्यूटर दिया गया है और कंप्यूटर में हमने देखा शुरुआत से केवल एक ही युग्म बना हमको एक ही जोड़ा मिला अब वापसी में ढूंढो वापसी में आर एस टी आर और टी बिल्कुल मिले शानदार आर टी भी लिख लेना एक जोड़ा आर एस टी यू आर और यू का भी बन जाएगा आर और यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं मिला ई एफ जी एच आई जे के नहीं मिला टी यू टी और यू का मिल जाएगा बिल्कुल टी और यू का मिल जाएगा आगे कुछ नहीं मिलेगा पी क्यू आर एस एम एन ओ पी कुछ नहीं मिल रहा केवल तीन इधर आए और एक इधर आया चार जोड़े मिल रहे हैं चार जोड़े चार अक्षर युग्म मिले ऐसे केवल केवल चार अक्षर युगम नेक्स्ट पर आ जाओ निम्नलिखित शब्दों को शब्द के अनुसार व्यवस्थित करें भाई फटाफट से सभी को शब्द के अनुसार लगा दो जल्दी से डिफीट डिफेंस और भैया डी डी और डिफेंसिव चेक करो कौन सा सबसे पहले आएगा जो कॉमन है उनको हटा दो डी ई सभी में आया हुआ है डी ई डी ई सभी में आया हुआ है हटाओ फिर एफ आर आए एफ आर आए ई रहा है और ई e रहा है तो ई e वाले पहले आएंगे ई e वाले इसका ई e हटा दो इसका ई e हटा दो एन एन हटा सॉरी एन तो कॉमन नहीं था एन इसमें आ रहा है आर इसमें आ रहा है तो एन वाला पहले आएगा या आर वाला पहले आएगा अच्छा सॉरी इसमें एफ है इसमें एफ है और इसमें भी एफ है इसमें ई e रहा है चलो ये और चेक करो भैया है ना डी ई e, तीन में एफ रहा है तीन में एफ रहा है इसमें ई e रहा है तो तीन नंबर वाला सबसे पहले आएगा तीन नंबर वाला फिर इसका एफ हटाओ इसका एफ इसका एफ फिर ई e और ई e और ई e रहा है फिर यहाँ सी रहा है तो सी वाला पहले आएगा एक नंबर फिर यहां एन आ रहा है और यहां एन आ रहा है तो एन हटाओ एन हटाओ फिर सी आ रहा है तो फिर दो नंबर वाला आएगा और लास्ट में जाएगा चार नंबर वाला इकतीस सौ चौबीस इकतीस सौ चौबीस बिल्कुल राइट होगा कौन सा ऑप्शन है ये रहा लास्ट में ये रहा इकतीस चौबीस बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट होगा चलो नेक्स्ट नेक्स्ट विषम अक्षरयुम का चयन करना है तो बताओ फटाफट से कौन सा आंसर आया आपका जल्दी से बताओ सभी लोग आज देखना भी जरा रोकना आज तो कोई भी कॉपी पेन लेकर नहीं कर रहा है सबने आंसर याद किए हैं कतई अमृत ठीक है ठीक है जी ठीक है बी दो पर बी दो पर डी चार पर एच आठ पर तो क्या दुगना हो रहा है दो चार दो का दुगना चार चार का दुगना आठ सी तीन पर एफ पर एल बारह पर पांच e पर जे दस पर यू इक्कीस पर डी दो चार पर एच आठ पर पी सोलह पर भैया दो दूनी चार दुनी आठ तीन दूनी छह दूनी बारह पांच दूनी दस यहां गड़बड़ हो गई यहां गड़बड़ हो गई चार दूनी आठ आठ दूनी सोलह सभी में दुगना हो रहा था इसमें दुगना नहीं हो रहा इसमें दस का दुगना बीस होना चाहिए था ये गड़बड़ लिखा हुआ है तो ये गलत होगा नेक्स्ट की तरफ आ जाओ एक बड़े रंगे हुए घन को आठ घन सेंटीमीटर वाले 125 छोटे घनों में काटा जाता है ठीक है भैया 125 छोटे घनों में काटा जाता है तो n की वैल्यू कैसे निकालोगे क्यूब रूट छोटे घनों की संख्या n की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया पांच आ जाएगी पांच और और बड़े घन वगैरह एक बड़े रंगे हुए घन को आठ घन सेंटीमीटर वाले 125 छोटे घनों में काटा जाता है भैया तो अब अब अगर एन की वैल्यू पांच है ध्यान से देखना जरा एन की वैल्यू क्या होती है पता एक सतह पर प्राप्त घनों की संख्या उसको बोलते हैं हम एन की वैल्यू एक, एक सतह पर प्राप्त घनों की संख्या कुछ इस प्रकार से मान लो पांच आ रहे हैं ना वो इस प्रकार से पांच आ रहे होंगे एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पांच ऐसे ऐसे वाले और ऐसे ही नीचे की तरफ नीचे इसके पीछे जो छुपे हुए हैं जो पीछे छुपे हुए रहते हैं ना इस प्रकार से वो भी पांच ही आ रहे होंगे वो भी आपके कितने आ रहे होंगे भैया पांच ही आ रहे होंगे इस प्रकार से तो ये पांच घन हो गए एक दो तीन चार पांच अगर मैं, मैं आपसे कहूं मैं आपसे कहूं उसने बड़े घन की भुजा पूछी है बड़े घन की भुजा अगर अगर बड़े घन की भुजा निकालनी है आपको तो छोटे घन की मालूम पड़ जानी चाहिए छोटे घन की कैसे निकालोगे यहां आपको दिया गया है यहां क्या दिया गया है आठ घन सेंटीमीटर वाले में काटा गया है आयतन दिया है आयतन भैया एक की पावर अगर तीन मैं कहूं आपसे आपको आठ दिया है तो A की वैल्यू बड़ी आसानी से निकालोगे क्योंकि ये दो की पावर तीन होता है दो की पावर तीन तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी दो आ जाएगी मैं कहूंगा ये छोटे घन जो है ना वो दो दो, दो दो सेंटीमीटर के हैं दो, दो सेंटीमीटर के तो आंसर क्या होगा आंसर क्या होगा भैया एन की वैल्यू पांच है पांच घन है और दो दो, दो सेंटीमीटर के हैं तो पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी लंबाई उसकी पांच इंटू दो पांच दूनी दस दस सेंटीमीटर दस सेंटीमीटर इसका क्या होगा आंसर होगा डी ऑप्शन डी ऑप्शन इसका आंसर होगा चलो जी बिल्कुल शानदार बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ नेक्स्ट की तरफ आ जाओ क्या दिया है रिपीटेड सीरीज रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन है फटाफट से बताएंगे सभी लोग कितने लेटर हैं टोटल काउंट करो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस बीस है तो चार चार के जोड़े बना लो या पांच पांच के बना लो चेक करो कहां पर रिपीट हो रहा है डी डी दूसरे पर है तो डी यहां रिपीट हो रहा है तो चार चार पर बात बन सकती है देखो पहले चार ले लिए क्योंकि दूसरे पर डी है दूसरे पर डी है फिर चार ले लो फिर चार ले लो और फिर चार ले लो चार चार के जोड़े बनाओ फर्स्ट खाली है फर्स्ट खाली है फर्स्ट पर ए फर्स्ट पर ए और फर्स्ट खाली तो सबके फर्स्ट पर ए रख दो पहले ए डी बी एक कंप्लीट हो गया ए डी बी ई ए डी बी ई और ए डी बी ई और ए डी बी ई लास्ट में आ जाएगा चेक करो मैच करो कौन से ऑप्शन में आ रहा है आपका आंसर डबल ए बी डी डबल ए बी डी डबल ए बी डी और बी ए ई फर्स्ट ऑप्शन में ही आ गया बिल्कुल राइट है पहला ही ऑप्शन पहला ही ऑप्शन राइट है ग्यारह के जैसे सवाल मेरे नहीं हो पाते हैं करने पड़ेंगे करने पड़ेंगे मेहनत करनी होगी भाई ये वाली टाइप का क्वेश्चन तो मैं आपको बता चुका हूँ करवा चुका हूं अपने वाले प्रैक्टिस सेट में और बता दो मुझे इसका सही जवाब क्या है दी गई आकृति में वर्गों की संख्या मैंने आपको बताया था जहां पर भी आपको प्लस दिख जाए उसमें कितने वर्ग होते हैं पांच एक दो तीन चार और एक पूरा बड़ा वाला पांच पांच वर्ग बनते हैं तो आपको काउंट क्या करना है बस प्लस काउंट करने हैं प्लस काउंट करो फटाफट से तो कितने प्लस मिल रहे हैं भाई एक तो ये मिला है ना पहला प्लस मैं दूसरे प्लस की बात करूं दूसरा प्लस मुझे ये मिल रहा ठीक है तीसरा प्लस ढूंढो तीसरा प्लस ये मिल रहा बिल्कुल शानदार भैया चौथा प्लस चौथा प्लस ये मिल रहा बिल्कुल शानदार एकदम बेहतरीन और भैया पांचवा प्लस ये मिल रहा है तो आप कहोगे जी पांच प्लस मिले पांच एक, दो तीन चार पांच तो आप करोगे पांच गुणा पांच कितना पच्चीस हो जाएगा हो लेकिन इन पांच प्लसों में कॉमन भी तो आ रहे होंगे कुछ और कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं देखो इस प्लस में रेड वाले ग्रीन वाले में ये वाला कॉमन है ये वाला कॉमन है फिर ग्रीन वाले पर पिंक वाले पर ये वाला कॉमन है फिर पिंक वाले पर रेड वाले पर ये वाला कॉमन है और रेड वाले पर पिंक वाले पर फिर ये वाला कॉमन है तो चार कॉमन मिले चार कॉमन मिले हैं चार घटा दो एक दो तीन चार चार कॉमन है माइनस चार कर दो आंसर तैयार है पच्चीस इक्कीस आपका सही जवाब होगा एकदम बहुत शानदार बहुत शानदार एकदम बेहतरीन चलो जी चलो बिल्कुल शानदार सर घन वाले नहीं आते हैं हमें सर गलत हो जाते हैं और टेस्ट में हर बार एक क्लास करा दीजिए इन सवालों पर ठीक है भाई इस बारे में जरूर सोचूंगा बिल्कुल कोशिश रहेगी जारी हार्वेस्ट का कोड दिया है भैया फार्मर का कोड आपसे पूछा गया है लॉजिक लगाओ जल्दी से क्या आएगा आंसर है ना हार्वेस्ट का कोड दिया गया है और कैसे कोड दिया गया है चेक करो फटाफट से एच ए आर वी ई एस टी हार्वेस्ट का कोड क्या दिया है वी यू जी एक्स टी सी और जे लगाओ आठ पर बाईस पर एक पर इक्कीस पर गड़बड़ हो रही है फर्स्ट वाले का फर्स्ट वाले से तो बन ही नहीं रहा नहीं बन रहा तो फर्स्ट वाले का लास्ट वाले की तरफ कोशिश करो लास्ट वाले से बन जाए आठ पर और जे दस पर प्लस के दो ए एक पर सी तीन पर प्लस के दो अठारह, अट्ठारह दो बीस बाईस दो चौबीस पांच दो सात उन्नीस दो इक्कीस बीस और दो बाईस क्रॉस में जा रहा है प्लस दो कर रहा है क्रॉस में जा रहा है प्लस दो कर रहा है तो फार्मर का भी ऐसे ही निकालो भैया एफ में एफ में दो जोड़ूंगा और दो आठ आठ पर एच देखो सभी में आ रहा है सभी में ठीक है एक और दो तीन तीन पर सी इन दोनों में आ रहा है ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे लास्ट वाले फिर 18 और 2 20 पर इसमें भी आ रहा है टीस इसमें भी 13 और 2 15 15 यहां भी आ रहा है यहां भी आ रहा है 5 और 2 7 यहां भी आ रहा है यहां भी आ रहा है 18 और 2 20 20 इसमें आ रहा है इसमें उन्नीस आ रहा है ये गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा भैया बी बिल्कुल सही है नेक्स्ट भिन्न पद ज्ञात करो इकसठ बारह पच्चीस इक्कीस चौतीस तीस चौवालीस इकतीस करो डिफरेंस करो फटाफट से जल्दी से क्या डिफरेंस होगा इकसठ में से बारह ग्यारह में से दो गए, नौ और पांच में से पच्चीस और यहाँ चार का चौतीस चार इकतीस इकतीस और चार में से एक गया भैया तीन बचेगा और यहां तेहरह का अंतर आ रहा है आंसर मिल गया होगा आंसर मिल गया होगा ये सात का वर्ग है भैया और ये दो का वर्ग है और ये भैया दो का वर्ग है बाकी परफेक्ट स्क्वायर थे यहां परफेक्ट स्क्वायर बन ही नहीं रहा आंसर होगा डी ऑप्शन है ना डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है चलो बिल्कुल सही बिल्कुल सही एकदम शानदार भाई फटाफट से क्लास को लाइक कर दो जल्दी से जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया ना वो लाइक कर दो हाँ ये कौन कह रहा है जोड़ दो जोड़कर बन रहा है क्या नहीं ऐसे ही शानदार बन रहा है इकसठ और बारह जोड़ना भाई छत और और ये दो और एक तीन तिहत्तर जुड़कर बना ये तिहत्तर चलो दो और एक तीन छ और एक सात और पच्चीस और इक्कीस कितना हो जाएगा पाँच और एक छह छियालीस हो जाएगा छियालीस और और ये हो जाएगा चौसठ चौसठ हो जाएगा चार और एक पाँच चार तीन सात पिछहत्तर हो जाएगा तो कहाँ इधर से तो नहीं बन रही बात इधर से तो नहीं बन रही बात है ना वो बहुत अच्छा था ये बहुत अच्छा है कि तीनों के तीनों वर्ग बन रहे हैं और यहां वर्ग नहीं बन रहा यहां वर्ग नहीं बन रहा है तो ये बिल्कुल राइट होगा ये बिल्कुल राइट है चलो नेक्स्ट की तरफ आ जाओ कौन सा विकल्प सही है कौन सा विकल्प सही है भैया बनाओ जल्दी से बनाओ जल्दी से इसको सबसे पहले आप लोग क्या करोगे अपोजिट निकालोगे भैया पी का अपोजिट ये वाला क्यों आएगा पी का अपोजिट क्यों आ जाएगा और एम का अपोजिट आर आ जाएगा एम का अपोजिट आर आ जाएगा और एक बचा हुआ है टी टी के अपोजिट ये सारे के सारे वर्ग आने वाले हैं टी के अपोजिट ये वाले वर्ग आने वाले हैं और वर्ग किस प्रकार से आएंगे वर्ग देखो जब ऊपर से बंद करोगे इसको बंद करोगे तो इसका कोना इस तीन के कोने से टच होगा और इस दो का कोना इस चार के कोने से ऐसे टच होगा आपस में तो एक के इस बगल में आएगा ये वाला दो है ना तो ये एक तो आ जाएगा भैया यहां पर दो आ जाएगा यहां पर तीन इधर और चार इधर ये कुछ इस प्रकार से आ जाएंगे टी के अपोजिट में टी के अपोजिट में बहुत ही शानदार चलो अब मैं बात करता हूं आर पी आर और पी आर और पी आ सकते हैं और यहाँ तो बन रहे यहां तो त्रिभुज बन रहे हैं त्रिभुज वाली कंडीशन तो गलत हो जाएगी और इसमें भी त्रिभुज बन रहे हैं ये भी गलत हो जाएगी क्योंकि वर्ग बनेंगे वर्ग आपस में क्या बनेंगे ये इस प्रकार से स्क्वेरी तो बनेंगे जब आपस में मिलाओगे तो ये दो तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाएंगे फिर फिर टी टी के गैल में ये क्यों दे रखे हैं टी के साथ में तो ये गलत बात है क्योंकि ये टी के तो अपोजिट थे भैया ये भी गलत हो जाएगा ये भी बचा ये पी आर पी इसका आर उसका और ये भैया तीनों के तीनों ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट होगा सी बिल्कुल राइट है भाई मैं तो तुमसे ही परेशान हो लिया मुझे तो ये समझ में नहीं आता जब अगर मैं टेस्ट वाले क्वेश्चन नहीं करा रहा था तब आप बोलते थे कि सर टेस्ट वाले क्वेश्चन कराया करो हैं? अब अगर मैं टेस्ट वाले क्वेश्चन करा रहा हूं तो आप कह रहे हो जी टेस्ट वाले मत कराया करो कौन था ये स्टूडेंट दिखाना भाई जरा ऊपर दिखाओ कौन था ये ऊपर 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 था एक स्टूडेंट ये ये ये, ये 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 नीचे गया नीचे यूपीएससी लवर रजावत भैया क्या कह रहे हो इटावा से हैं एक प्लीज सर टेस्ट वाले क्वेश्चन मत कराया करो भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका ऐसा कहने के लिए है ना जब मैं नहीं कराता हूं ना जब तुम्हारे जो ना एकदम ऐसा होड़ सी लग जाती है गुरुजी टेस्ट वाले क्यों नहीं करवा रहे टेस्ट वाले करवाया करो उसमें क्वेश्चन ऐसे आते हैं और वैसे आते हैं अब अगर करवा रहा हूं तो अब अब भी प्रॉब्लम है तो भैया इसका सॉल्यूशन नहीं है मेरे पास इसका सॉल्यूशन नहीं है तुम्हारी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है बिल्कुल भी अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से पंद्रवे के दाएं पांचवा होगा यह आपको बताना है दाएं से राइट साइड से राइट साइड से पूछ रहा है ना राइट साइड से पूछा है पंद्रवा देखो राइट राइट यहां पंद्रह दिया है और राइट यह पांचवा दिया है जब दोनों तरफ से राइट दिया है पंद्रह और इधर से भी राइट दिया है पांच तो दोनों क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे जब दोनों एक जैसे हैं पंद्रह में से पांच गया दस केवल राइट की तरफ से दसवा देख लो सत्ताइस में से दस घटा दो वास्तव में सत्रह और सत्रह पर कौन सा लेटर होता है क्यों होता है क्यों फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा बढ़ो नेक्स्ट की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फटाफट से बताओ इसका सही जवाब क्या होगा दो आठ अठारह बत्तीस पचास देखो कितने आसान पता नहीं आप कैसे करते हो टेस्ट में मेरी तो यही समझ में नहीं आता मैंने पिछला टेस्ट भी कराया था पिछले टेस्ट में भी पचपन में से पचपन के हकदार थे आप लोग है ना जिस हिसाब से मैं प्रैक्टिस सेट कराता हूं और उसके अनुसार इस वाले को देखोगे ना तो पचपन तो जायज हैं बनने और फिर भी आप कहते हो कि मेरे दस गलत हो जाते हैं मेरे पांच गलत हो जाते हैं मेरे आठ गलत हो जाते हैं ऐसा क्यों दो दो से आठ की तरफ जाओगे छह जुड़ रहे हैं आठ से अठारह दस जुड़ रहे हैं अठारह अट्ठारह से बत्तीस कितने जुड़ रहे हैं चौदह है, चौदह है। फिर बत्तीस से पचास अठारह जुड़ रहे हैं अब कितने का नंबर भैया छह और चार दस दस और चार चौदह चौदह चार अट्ठारह अट्ठारह और चार बाईस पचास में बाईस जोड़ दो बहत्तर काम खत्म काम खत्म बढ़ो नेक्स्ट की तरफ प्लस का अर्थ माइनस है गुणा का अर्थ प्लस है भाग का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ भाग है तो बताओ कि कौन सा विकल्प का उत्तर चिन्ह बदलने के बाद सही होगा ओ भाई संख्या भी बहुत बड़ी बड़ी दे दी अब लगेगा टाइम ये है टाइम टेकिंग वाला तो क्वेश्चन थोड़ा सा है ना ये तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग वाला है तो इसको कैसे सॉल्व करोगे चलो चिन्ह परिवर्तित करते चले जाओ फटाफट से माइनस का अर्थ भाग है तो फर्स्ट वाले पर भाग रख दूंगा भैया भाग चलो प्लस का अर्थ क्या है प्लस का अर्थ दिया है गुणा तो यहां गुणा तो रख दो दूसरे पर फिर गुणा का अर्थ प्लस दिया है तीसरे वाले पर प्लस रख दो चेक करते चलना क्या तेईस से तीन सौ पैंतालीस को काट पाओगे पहले तो यही देख लिया करो फिर फिर भाग का अर्थ माइनस है लास्ट में यहां माइनस दिया है चेक करो क्या तेईस से काट पाऊंगा तेईस दोनों 23 तेईस एकम तेईस कितना बचा ग्यारह और तेईस पंजे एक सौ पंद्रह भैया कट गया पंद्रह बार पंद्रह की गुणा इकतीस में हो जाएगी पंद्रह एकम पंद्रह हासिल एक पंद्रह ती पैतालीस और एक छियालीस चार सौ पैंसठ हो जाएगा चार सौ पैंसठ में एक सौ आठ जुड़ेगा और एक सौ आठ फिर जोड़ने के बाद तीन सौ इक्कीस घटा देना चेक करके देखो क्या दो सौ बावन आ रहा है जोड़ो एक सौ आठ और चार सौ पैंसठ जोड़ोगे आठ पांच तेरह छह और एक सात चार और एक पांच पांच सौ तिहत्तर तीन सौ इक्कीस घटा दो यहां दो बचा यहां पांच बचा यहां दो बचा दो सौ बावन आ रहा है दो सौ बावन भैया ये आ रहा फर्स्ट वाला कहीं गलत तो नहीं पूछा उसने कौन सा विकल्प का उत्तर चिन्ह बदलने के बाद सही होगा सही वाले कोई पूछ रहा है तो फर्स्ट ऑप्शन ही राइट होता है तो इसका अर्थ है फिर तो जल्दी हो गया क्वेश्चन मान लो अगर चौथा ऑप्शन होता ना तो कम से कम आधी मिनट ये लेता आधी मिनट ये आधी मिनट ये आधी मिनट दो मिनट भी खा सकता है आपका एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन है ना ऐसे क्वेश्चनों पर थोड़ा सा ध्यान दिया करो क्यों क्योंकि जब टाइम कम होता है ना तो फिर ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ दिया करो जब टाइम टेकिंग वाले होकर ना उनको लास्ट में किया करो लास्ट में पहले ही मत फंस जाना पता चला कि कैलकुलेशन में फंसे पड़े और क्वेश्चन का आंसर ही नहीं आ रहा तो हमेशा बताता हूं जो टाइम टेकिंग वाले उनको बाद के लिए छोड़ दिया करो लास्ट में चलो जी नेक्स्ट की तरफ आ जाओ कुची, कुची, पेंट, बेलचा क्या बेलचा क्या होता है सावल फावड़े के टाइप में अगर होता है फावड़ा फावड़ा देखा है कुची किस है किसके लिए प्रयोग में लाई जाती भैया पेंट करने के लिए और बेल्चा किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है फावड़ा भैया तेल पानी कोयला कोयले के लिए कोयले को देखा होगा ना जो पहले आ, सनी देवल की मूवी है तुमने गदर मूवी है गदर सही बताना ईमानदारी से गदर मूवी देखी है गदर मूवी में जब लास्ट में वो ट्रेन में भागते हैं भारत की तरफ को आते हैं जब तो सनी देवल के हाथ में एक बेलचा होता है उससे कोयले को उठा के उस ट्रेन में डा... मतलब उसके इंजन में डालता है इंजन में डालता है वही चीज है ये वही चीज है उससे याद कर लो इसको अच्छे ढंग से बेलचा जो होता है उसको ऐसे पकड़ता है और जो कोयला रहता है उसको उठाया और इंजन की तरफ उसको डाल दिया जिससे कि इंजन और तेज चलने लगे है ना उसकी स्पीड बढ़ जाए स्पीड बढ़ जाए तो बिल्कुल कोयला इसका राइट आंसर होगा नेक्स्ट नेक्स्ट पर आ जाओ भैया नेक्स्ट पर कह रहा है पहली मूवी थी वो मेरी ठीक है जी ये कह रहा है सनी देवल क्या पहले की ट्रेन में ऐसा ही होता था हाँ वो बताता तो रहा हूँ मैंने तो एग्जाम्पल दिया ना सनी देवल, आ, सनी देवल वाली मूवी का मैंने दिया है ट्रेन पहले कोयले वाली ऐसे ही चलती थी है ना कोयले वाली जो ट्रेन है उनमें कोयला डालना पड़ता था तभी इंजन की स्पीड बढ़ती थी है ना जितना कोयले मतलब जितना इंजन उसमें वर्क करेगा उसी के हिसाब से तो भागेगी फिर वो ए, ए बराबर दो एम बराबर छब्बीस ए की वैल्यू दो दी है क्योंकि ए तो वैसे एक पर होता है एक का दुगना लिखा है एम एम वैसे पर होता है तेहरे का दुगना छब्बीस लिखा है और जेड जेड भैया छब्बीस पर होता है तो छब्बीस का दुगना बावन लिखा है सबका दुगना करके लिख रहा है दुगना करके तो आप भी ऐसे ही कर दो बीई टी बी ई टी बी कितने पर दो पर ई e कितने पर पांच पर और टी बीस पर सबका दुगना लिखो दो दूनी चार पांच दूनी दस और बीस दूनी चालीस जोड़ दो चालीस और दस पचास और चार कितने हो जाएंगे चौवन ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा है ना बी बिल्कुल राइट है एकदम शानदार चलो नेक्स्ट की तरफ चलो नेक्स्ट चार के विपरीत बताओ भाई चार के विपरीत ढूंढकर बताओ जल्दी से कौन सा कौन सा अक्षर चार के विपरीत नंबर जो है चार के विपरीत आएगा एक दो तीन चार पांच छ तीन चार पांच क्या कॉमन मिला फर्स्ट सेकंड में फर्स्ट सेकंड में कोई कॉमन नहीं है क्या फर्स्ट और लास्ट में कॉमन मिलेगा फर्स्ट और लास्ट में मिल रहा है तीन तीन से पासे को घुमा दो क्लॉकवाइज जैसे घड़ी की सुई घूमे ग्रह तीन के बाद एक एक के बाद दो तो तीन तीन के बाद एक एक के बाद दो भैया यहां भी तीन से डाइस को घुमा दो क्लॉकवाइज इस प्रकार से तीन के बाद पांच तीन के बाद पांच और पांच के बाद चार किसके अपोजिट पूछा था चार के अपोजिट क्या आ गया चार के अपोजिट आ रहा है भैया दो चार के अपोजिट होगा दो बिल्कुल राइट है नेक्स्ट एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है उसकी माता मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधु है तो महिला का उस आदमी से क्या संबंध है कुछ करना नहीं है पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है केवल माइंड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कह रहा है आदमी कह रहा है एक महिला की तरफ इशारा करके क्या इसकी जो माता है ना वो कौन है वो मेरे पुत्र के दादा भैया मेरे पुत्र का दादा कौन होगा मेरा पिता होगा ऐसी ही तो है मेरे पुत्र का जो दादा है वो मेरे पिताजी होंगे फिर की इकलौती पुत्र वधु क्या होती है बेटे की बहू मेरे पिता की इकलौती पुत्रवधु मेरी वाइफ होगी तो वो महिला उसकी वाइफ थी वो महिला जो थी ना वो कह रहा है एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि उसकी माता उस महिला की जो माता है उस महिला की जो माता थी वो कौन थी उस व्यक्ति की उस व्यक्ति की पत्नी थी उस व्यक्ति की कौन थी ये भैया पत्नी थी पत्नी अब आंसर आ गया होगा तो महिला महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है इसकी तो बेटी होगी इसकी कौन होगी वो बेटी होगी पुत्री पुत्री है बिल्कुल शानदार पुत्री ये रहा फर्स्ट ऑप्शन पे नेक्स्ट चलो फटाफट से बताओ जल्दी से ठीक <laughs> है ठीक है देखो चार आठ बीस चार आठ बीस कैसे आ रहा है चार आठ बीस चार से आठ चार दोनी आठ हो रहा है आठ से बीस नहीं कट रहा छोड़ दो छोड़ दो क्या लॉजिक लग रहा है आठ चार बारह बारह और आठ बीस होते हैं नौ और तीन बारह बारह और तीन पंद्रह होते हैं छह और छह बारह और छह अठारह हो जाएगा ऐसे भी लगा सकते हो लॉजिक या भैया ऐसे देख लो बीच वाले का दुगना कर दो आठ दोनी सोलह और सोलह में फर्स्ट वाले को जोड़ दो बीस आ जाएगा बीच वाले का दुगना कर दो और फर्स्ट वाले को जोड़ दो तीन और छो पंद्रह बीच वाले का दुगना कर दो छह दूनी बारह बारह और छह अठारह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है भैया नेक्स्ट पर चलो आज चार अगस्त मंगलवार का दिन है तब तब इसी माह की छब्बीस तारीख को कौन सा दिन होगा अगर चार तारीख को आज चार तारीख है चार तारीख को मंगलवार दिया है मंगलवार ऐसा क्वेश्चन में दिया है जब चार को मंगल है तो छब्बीस का पूछा है तो कैसे निकालोगे चार और सात ग्यारह ग्यारह को मंगलवार ग्यारह और सात अट्ठारह को मंगलवार अट्ठारह और सात पच्चीस को मंगलवार भैया पच्चीस को मंगलवार है तो छब्बीस को क्या होगा मंगलवार के बाद तो बुधवार आता है बुधवार ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट सी बिल्कुल राइट सी बिल्कुल शानदार एकदम बेहतरीन बढ़ो नेक्स्ट की तरफ क्या निजी क्षेत्र में भी कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण को, को बढ़ावा दिया जाना चाहिए क्या है तर्क देखो नहीं निजी क्षेत्र का प्रबंधन इस प्रश्न का आ, इस प्रश्न पर तैयार नहीं होगा यानी कि उनको बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए चलो हां यह कमजोर वर्गों की आर्थिक स्थिति में काफी हद तक सुधार लाएगा ये कुछ दूसरा तो सही लग रहा है है ना यह कमजोर वर्गों की आर्थिक स्थिति में काफी हद तक सुधार लाएगा ये तो बिल्कुल सही है ये तो बिल्कुल सही है सेकंड वाला अगर फर्स्ट वाले की बात की जाए वगैरह क्या निजी क्षेत्र में कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए नहीं कह रहा है यानी कि बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए निजी क्षेत्र का प्रबंधन इस प्रश्न पर तैयार नहीं होगा ऐसा तो कुछ नहीं है ऐसा तो कुछ नहीं है है ना इसका कोई मतलब नहीं निकलता ये पहला वाला तो गलत होता है पहले तो यहीं पर गलत हो गया नहीं भाई निजी क्षेत्र वहां तो अगर आरक्षण की बात आती है तो जिससे कि आरक्षण क्यों दिया जाता है जिससे कि जो निजी वर्ग है या हम कह सकते हैं जो कमजोर वर्ग है जो कमजोर वर्ग है उसके हालात सुधारे जा सकें इसी वजह तो इसी वजह से तो आरक्षण दिया जाता है तो ये सेकंड वाला बिल्कुल सही है नेक्स्ट एक पांच तेहरा पच्चीस इकतालीस क्वेश्चन मार्क एक पांच तेहरा पच्चीस इकतालीस एक, एक से पांच पर जाओगे प्लस के चार हो रहे हैं पांच से तेहरे पर जाओगे कितने प्लस हो रहे हैं पांच और आठ तेहरा तेहरे और यहाँ बारह पच्चीस हो रहे हैं पच्चीस पच्चीस और सोलह इकतालीस देखियो कितने आसान आसान से क्वेश्चन थे चार आठ बारह सोलह और अब आएगा बीस है ना बीस इकतालीस में बीस जोड़ दोगे इकसठ इकतालीस में बीस जोड़ दोगे इकसठ बिल्कुल शानदार है एकदम बेहतरीन नेक्स्ट एक, एक पंक्ति में निखिल बाएं से आठवां है और दीपक दाएं से नौवा है यदि केवल निखिल सॉरी केवल रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा हो तब पंक्ति में कम से कम भाई कम से कम का हमेशा ध्यान रखना जहां कम से कम मिनिमम की वैल्यू पूछे मिनिमम के लिए फॉर्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल मिडिल प्लस के दो मिडिल का अर्थ है बीच में जो बैठे हुए हैं मिनिमम निकालने हैं निखिल बाएं से आठवा है लेफ्ट से आठवा है और दूसरा दीपक दाएं से नौवा था माइनस और कह रहा यदि केवल रोहन बैठा है उन दोनों के बीच में और नहीं बैठा कोई भी तो एक ही बैठा है बस प्लस के दो करो और घटा दो आठ और नौ सत्रह सत्रह दो और एक तीन घटाओगे सत्रह में से तीन गया चौदह सत्रह में से तीन गया चौदह बिल्कुल शानदार है चौदह बिल्कुल शानदार पंक्ति में बिठा के कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है पंक्ति में बिठा के कर रहे हो तब भी क्वेश्चन का आंसर निकाल पाओगे कैसे कम से कम वाली कंडीशन में ओवरलेप करके बैठते हैं तो ये बाएं से बोला था बाएं से कितना बोला था आठवा बोला था आठवा और ये राइट साइड से कितना बोला था भैया ये बोला था नौवे नंबर का इनके बीच में एक ही बैठा है बस एक ही बैठा है तो कैसे काउंट करते हैं एक ही तो बैठा था दोनों के बीच में मगर अगर ये आठवें नंबर की सीट है तो ये सातवें नंबर की सीट होगी और ये छठे नंबर की सीट होगी तो एक व्यक्ति के मुझे दोनों साइड से मालूम हो गए एक तरफ से छह है दूसरी तरफ से नौ है दोनों को जोड़कर एक घटा दो लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन नौ छ पंद्रह पंद्रह में से एक घटाओगे चौदह आंसर होगा ऐसे भी कर सकते हो ऐसे भी कर सकते हो नेक्स्ट नेक्स्ट पर आ जाओ आकाश तारे आकाश में क्या होते हैं तारे होते हैं चांद चांद में क्या ग्रह होते हैं गलत चांद तो खुद भी एक ग्रह नहीं है इसमें तो ग्रह जब होंगे गलत चलो स्टेडियम में खिलाड़ी होते हैं विश्वविद्यालय में विद्यार्थी होते हैं क्या पूछा है अलग पूछा है तो अलग तो यही होगा अलग तो यही होगा, तो यह होगा आकाश में तारे स्टेडियम में खिलाड़ी विश्वविद्यालय में विद्यार्थी बिल्कुल सही है तो ये आपका ऑप्शन अलग होगा बिल्कुल बिल्कुल अलग एकदम शानदार बढ़ो नेक्स्ट की तरफ ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं करा चुका हूं मुझे भी याद है भैया दर्पण प्रतिबिंब पूछा है इसको इधर की इधर की की तरफ तरफ छाप दो छापोगे तो ये दो जीरो तो इधर की साइड में आ जाएंगी ऊपर वाली यहां आ जाएगी और त्रिभुज चला जाएगा इधर की साइड में तो कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है फटाफट से देख लो जरा कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है त्रिभुज त्रिभुज किधर की साइड में राइट right साइड में इसमें लेफ्ट में दिया हुआ है गलत इसमें भी लेफ्ट में दिया हुआ है गलत इसमें राइट में इसमें राइट जबकि त्रिभुज हमारा ऊपर की तरफ शीर्ष रहेगा और इसमें नीचे की तरफ शीर्ष दिया है तो यह भी गलत बचता है केवल और केवल सी ऑप्शन सी ऑप्शन बिल्कुल राइट right होगा भैया चलो चलो नेक्स्ट की तरफ दोपहर बारह बजे से तीन पैंतालीस बजे तक घंटे की सुई द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी खूब अच्छे से पढ़ाया है खूब अच्छे से आपको याद भी कराया होगा कि 12 बजे से घड़ी की घंटे की सुई चली और 3:45 तक घंटे की सुई की बात कर रहा है देखो घंटे की सुई का विस्थापन मालूम है आपको नोट कर लेना घंटे की सुई का विस्थापन लिख लेना घंटे की सुई का विस्थापन डिस्प्लेसमेंट विस्थापन घंटे की सुई का विस्थापन क्या होता है घंटे की सुई एक घंटे में एक घंटे में तीस डिग्री चलती है घंटे की सुई एक मिनट में आधा डिग्री चलती है और घंटे की सुई एक सेकंड में एक बटे एक सौ बीस डिग्री चलती है भैया इनको नोट कर लेना अच्छे ढंग से इनको नोट कर लेना अच्छे ढंग से एक घंटे में तीस डिग्री एक मिनट में आधा डिग्री एक सेकंड में एक सौ बीस डिग्री और हमारी जो घंटे की सुई थी वो तीन घंटे 45 मिनट चल रही है तो तीन घंटे में कितना चलेगी तीस तिया नब्बे नब्बे डिग्री तो यहां चलेगी तीन घंटे में 45 मिनट में जब एक मिनट में आधा चले तो 45 मिनट में कितना चलेगी 45 मिनट का जब निकालोगे तो 45 बटे दो करना पड़ेगा जो आएगा आपका 22.5 22.5 ये है नब्बे ये है दोनों को जोड़ दो काम खत्म दोनों को जोड़ दो काम खत्म आंसर क्या हो जाएगा नब्बे और साढ़े बाईस एक सौ बारह दशमलव पांच एक सौ बारह दशमलव पांच या सबकी मिनट के सॉल्व कर लेना क्यों साठ तिया एक सौ तो अस्सी एक सौ तो अस्सी और पैतालीस जोड़ोगे एक सौ तो अस्सी और पैतालीस जोड़ोगे कितना हो जाएगा दो सौ पच्चीस हो जाएगा दो सौ पच्चीस मिनट का आधा कर देना क्योंकि एक मिनट में आधा डिग्री चलती है और दो सौ पच्चीस मिनट में कितना चलेगी दो पच्चीस का आधा वो आ जाएगा एक सौ बारह दशमलव पांच डिग्री मर्जी आपकी कैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो चलो जी नेक्स्ट की तरफ आठ अट्ठाइस सत्ताईस क्या ये क्वेश्चन भी कराया जा चुका है ये क्वेश्चन भी कराया जा चुका है आठ अट्ठाईस सत्ताईस और क्या घन के पास वाली कंडीशन बन रही है ना आठ दो की पावर तीन दिया है और अट्ठाइस तीन की पावर तीन में भैया एक जोड़ रखा है कराया हुआ क्वेश्चन है तीन की पावर तीन दिया है और अब आएगा चार की पावर तीन में एक जोड़ दो चार की पावर तीन में एक जोड़ोगे कह रहा है? जल्दी जल्दी के चक्कर में गलत हो जावा तो जल्दी करते क्यों हो जल्दी करते क्यों है आराम से करो ना तसल्ली से जल्दी में गलत कर रहे हो तो फायदा ही क्या रह गया जल्दी करने का या तो जल्दी मत करो अगर जल्दी कर रहे हो तो ध्यान पूर्वक करो क्वेश्चन को फिर ठीक है ना चौसठ और एक पैंसठ बिल्कुल राइट है बढ़ो नेक्स्ट की तरफ नेक्स्ट की तरफ आ जाओ एक व्यक्ति सौ मीटर पूर्व की ओर चलने के बाद अपने दाई ओर मुड़ता है सौ मीटर पूर्व की तरफ भेजो भाई इसको सौ मीटर पूर्व की तरफ गया और दाई मुड़ा नीचे की तरफ मुड़ गया फिर फिर कह रहा है सत्तर मीटर चला सत्तर मीटर फिर से दाई और मुड़कर नीचे की तरफ गया अब दाया की इधर। सत्तर मीटर चलने के बाद फिर से सत्तर मीटर चला सत्तर फिर 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 दाई और मुड़ गया और तीस मीटर चला भैया यहाँ तीस चला फिर अंत में दाई और मुड़कर पचास चल रहा है फिर पचास चल रहा है भाई क्या कर दिया इसने क्या पूछा है अब किस दिशा में चल रहा है भैया पूरब दिशा की तरफ जा रहा है पूरब दिशा की तरफ जा रहा है काम खत्म करो ईस्ट की तरफ जा रहा है ईस्ट की तरफ बिल्कुल सही बिल्कुल राइट एकदम नेक्स्ट महिलाएं चिकित्सक और रोगी के बीच संबंध को दर्शाओ महिला महिला चिकित्सक और रोगी के बीच भैया महिलाएं चिकित्सक भी हो सके महिलाएं रोगी भी हो सके तो महिलाओं को बीच में धर दो और डॉक्टर एक तरफ और रोगी एक तरफ कौन सा ऑप्शन सही है हैं ऑप्शन तो है ही नहीं इसमें डॉक्टर रोगी भाई बीच में तो डॉक्टर आज बीच में तो आ जाएगा महिला वोमेन एक तरफ डॉक्टर हो जाएगा डॉक्टर और एक तरफ पेशेंट हो जाएगा रोगी है ना डॉक्टर और रोगी क्या ऑप्शन नहीं दिया अगर ऐसा नहीं है तो फिर देखो कौन सा सही हो सकता है इन्हीं ऑप्शनों में से देखना है तो अगर मैं आपसे कहूं क्या महिला और चिकित्सक हो सकती है सम वाली कंडीशन बनेगी और चिकित्सक और रोगी में सम वाली कंडीशन बनेगी तो ऑल वाली कंडीशन वाले ऑप्शन तो डिलीट कर दो ऑल वाले तो डिलीट कर दो ऑल की तो कंडीशन नहीं बनने वाली बिल्कुल खत्म करो ऑल वाली क्योंकि रोगी और महिला में रोगी और महिला में भी सम वाली कंडीशन बन सकती है सम वाली है ना जैसा चिकित्सक महिला हो सके हो सके चिकित्सक रोगी यहां सम की कंडीशन बन सकती है और रोगी और महिला में भी सम की बन सकती है कुछ वाली तो फिर सी की तरफ जाऊंगा एक तरफ एक तरफ डॉक्टर एक तरफ पेशेंट और एक तरफ वोमैन ऐसी कंडीशन के अनुसार फिर ऑप्शन नंबर सी को ही हम राइट करेंगे बाकी बाकी राइट नहीं होगा कुछ भी केवल और केवल सी पर जाएंगे नेक्स्ट नीचे दिए गए प्रश्न में आकृति चुने जो दिए गए विकल्पों में से विषम है अलग है भाई त्रिभुज त्रिभुज के भीतर दूसरा त्रिभुज फिर तीसरा त्रिभुज तीन त्रिभुज आ रहे हैं यहां यहां एक वर्ग दिया है वर्ग के भीतर भाई एक रेक्टेंगल टाइप में कर देकर उसमें लाइन काट रहा है गड़बड़ कर रहा है तीन तीन व्रत एक दूसरे के अंदर है बिल्कुल सही है यहाँ सटभुजे राखें एक दो तीन तीन आ करती सेम है ये भी तीन आकृति सेम है ये भी तीन आकृति सेम है इस वाले में गड़बड़ कर दी इस वाले में होना तो ऐसा चाहिए था ऐसा होना चाहिए था ऐसा नहीं दिया गया ऐसा नहीं दिया गया ऑप्शन नंबर बी हमारा अलग होगा बी अलग होगा नेक्स्ट पांच विद्यार्थी ए बी सी डी ई e. एक वृत्ताकार घेरे में बैठे हुए हैं पांच बैठे हुए हैं एक दो तीन चार और पांच कुछ इस प्रकार से बैठे हैं ठीक है उसके बाद क्या बोल रहा है ए और डी के बीच में ई e है ए और डी के बीच में ई e है अगर मैं ए को इधर रखूं ए और डी के बीच में कौन बैठा है ई e बैठा है ई e. ठीक है अब ए इधर भी हो सकता था इधर भी हो सकता था फिर कह रहा है बी बी के दाई और है, के ए ए है राइट हैंड पर इसका अर्थ सही है यानी बी के राइट हैंड पर ए है बिल्कुल सही बैठा है ए अपनी जगह पर तब तब एक बंधु बचा हुआ है सी सी को यहां रख दो क्या पूछा है बी के बाई और कौन बैठा है बी के लेफ्ट हैंड पर तो सी बैठा है बी के लेफ्ट हैंड पर तो सी बैठा है सी ये बिल्कुल राइट होगा सर आप पिछले साल के भैया मैं पिछले साल के करा चुका हूं बहुत सारे पेपर तो मैं सॉल्व करा चुका हूं बहुत सारे और अब यूपीएसआई के कराता हूं हर, हर आ, फ्राइडे और सैटरडे में है ना फ्राइडे को नंबर लगता है हर फ्राइडे को आपको मिलेगा यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर जो अब की बारी 2021 दो में एग्जाम हुआ था है ना उसके क्वेश्चन कराता हूं पी थ्री क्यू का अर्थ है पी क्यू की बेटी है तो जो सीरीज लिया पहले तो उसको उतार दो जो सीरीज दे रखी है पहले तो उसको उतार दो ये कैसे आ गया अच्छा चलो देखना भाई जरा जे थ्री जे थ्री एल नाइन एन थ्री और ओ फाइव के तो सबसे पहले कैसे सॉल्व करोगे भाई पीछे से सॉल्व करो फाइव का अर्थ क्या है फाइव का अर्थ है पी क्यू का पिता है पहला वाला पहला वाला पिता है दूसरे का पहला वाला पिता है दूसरे का तो इस ओ को लिख दूंगा प्लस थ्री का अर्थ क्या है थ्री का अर्थ है पी क्यू की बेटी है पहला वाला दूसरे की बेटी है ये बेटी हो जाएगी इसकी ठीक है इसके लिए माइनस लिख देना नाइन का अर्थ क्या है पी क्यू की बहन है पहला वाला दूसरे की बहन है पहला वाला दूसरे की बहन है इसके लिए माइनस लिख देना लास्ट बचा तो थ्री का अर्थ है कि पी क्यू की बेटी है पहला वाला दूसरे की बेटी है ये भी बेटी है चलो अब जरा देखना क्वेश्चन में मैं कहूं के का पिता ओ और ओ की बेटी एन एन की बहन तो एल एल एन और के जो है ना वो ओ के बच्चे हो गए ऐसे ही तो बनी गाड़ी भाई एल बी एल बेटी है इसकी एन बी बेटी है, और के का मुझे मालूम नहीं है के बेटा भी हो सकता है बेटी भी हो सकती है तो इस प्रकार से लिखा जाएगा और और फिर कह रहा है जे बेटी है एल की एल की बेटी है जे जे एल की बेटी है तो किसका रिलेशन जे का जे के से कैसे संबंधित है भैया ये तो भांजी लगेगी भांजी अब के के प्लस है या माइनस है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जे ये तीनों आपस में बहन भाई हैं तीनों और इसकी एक बेटी जो है वो इसकी क्या लगेगी भांजी लगेगी भांजी ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा सी बिल्कुल राइट है एकदम शानदार चलो क्वेश्चन नंबर अड़तीस बस के दरवाजे से बाहर की ओर झुके नहीं एक स्कूल बस में एक चेतावनी दी गई है हाँ बस के दरवाजे से बाहर की तरफ झुके मत यानी कि यानी कि बाहर को आपको झांकना नहीं है निकलना नहीं है बहुत से देखे ना बस के दरवाजे पर खड़े हो जावे हैं ऐसे गेट खिड़की पकड़कर बाहर की तरफ को ऐसा झाके हैं ज्यादातर आजकल के जो स्टूडेंट है ना वो जब बस में सफर करते हैं तो कुछ ऐसे ही करते हैं ठीक है या भीड़ ज्यादा हो जावे तब ऐसा होता है मान लो ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है देखा होगा तो सवारी जो है वो बाहर तक लटक जावे है गेट पे ट्रेन में बस में ऐसा ही होता है तो वो मना कर रहा है चेतावनी दी गई है कि बस के दरवाजे से बाहर की ओर झुके नहीं एक स्कूल बस में एक चेतावनी दी गई है दौड़ती हुई बस से बाहर निकलना खतरनाक है पूर्व धारणा जब ये मन में धारणा है जब बस चल रही है और बस से बाहर की तरफ निकल कर देखोगे तो भैया मामला गड़बड़ है पता नहीं क्या दिक्कत हो जाए तभी ये चेतावनी लगाई गई है बिल्कुल शानदार बच्चे ऐसी चेतावनी पर ध्यान नहीं देते ये गलत होगा ये गलत होगा फिर इसका लगाने का ही फायदा क्या है बहुत से समझदार भी हो गए बहुत से नासमझ भी हो गए जो ना समझ है वो तो इस श्रेणी में आ जाएंगे लेकिन जब चेतावनी ये लगाई जाती है तो इसका उद्देश्य यही है कि बच्चे इस बात को समझेंगे समझेंगे और ये चीज गलत हो जाएगी केवल केवल फर्स्ट वाली धारणा जो है वो सही होगी सही होगी लास्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन आज का चेयर का कोड दिया गया है और टेबल का कोड अच्छा एक और बच रहा है अभी उनतालीस पे आए हैं चलो देखो तो फटाफट से चेयर का कोड दिया गया है आर आई ए एच सी कैसे दिया है अरे भाई पीछे से ही पलट दिया आर का आर आई का आई ए का ए एच का एच सी का सी अरे कितने आसान भाई एफ फिर भी कह रहे हो कि दस गलत हो गए और बारह गलत हो गए हैं पिटने का, का काम कर रहे हो पिटने का ये टी का टी आ जाएगा टी का टी आ जाएगा एल बी ए टी ई एल बी ए टी फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट बिल्कुल राइट है भाई बिल्कुल राइट है ना लास्ट क्वेश्चन बता दो लास्ट एक पंक्ति में कमल बाएं छोर से अट्ठारवा है यदि रोहन बाएं से सातवा है उनके बीच में कितने बैठे होंगे ये भी आसान है एक तो दिया है लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड से सातवा और एक लेफ्ट साइड से दिया है कितना अठार वा, अठार वा. बस चेक कर लो कितने पिलस हो रहे हैं यहां पिलस के पिलस के ग्यारह सीट ग्यारह सीट आगे गया जब ग्यारह सीट आगे गया ना तो बीच में दस बैठे होंगे क्यों क्योंकि सात सात में दस जोड़ूंगा सत्रह और सत्रह पे एक जोड़ूंगा ये वाली सीट अठारह हो जाएगा आगे तो पूछा था चाहे तो गिन लो सात के बाद अगर मैं गिनू एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस गिनकर देख लेना ये सातवा नंबर ये आठवां ये नौवा ये दसवा ये ग्यारहवा बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह और ये अट्ठारह हो जाएगा तो बीच में दस बैठे हैं दस बस ये चेक किया करो कि कितने प्लस हो रहा है यहां सात है यहां अट्ठारह है प्लस के ग्यारह हो रहे हैं जब प्लस के ग्यारह हो रहे हैं तो बीच में दस बैठे होंगे एक कम क्योंकि ग्यारहवें नंबर की सीट ये है ये ग्यारहवें नंबर की सीट है तो बीच में दस बैठे होंगे दस बैठे होंगे ये आपका आंसर होगा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट right. चलो ठीक है दोस्तों बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो कल के प्रैक्टिस सेट में रख दूंगा है ना कल के प्रैक्टिस सेट में रख दूंगा जो आपके डिसीजन मेकिंग वाले भी बच रहे होंगे कुछ और पाई चार्ट वाले भी बच रहे होंगे उन्हें कल रख दूंगा ठीक है बाकी कराऊंगा कल आज के लिए बस केवल इतना ही है तो आज का स्कोर तो खैर अब क्या बता रहे हो आप टेस्ट में तो कर ही चुके हो आज तो चालीस में से चालीस आए होंगे है देखो ये आ गया अमीर खान आ गया चालीस में से चालीस वाला टेस्ट में तो कर ही चुके हो इनको टेस्ट में तो कर ही चुके हो वहां का स्कोर बताओ क्या आया रहा वहां का स्कोर पचपन में से कितने लाए हो वहां का स्कोर बताया करो ना ठीक है तो दोस्तों बाकी मुलाकात होगी आपसे कल अपने वाले समय पर शाम को चार बजे तब तक के लिए सभी को नमस्कार है धन्यवाद टाटा बाय बाय